नमस्कार साथियों, आज हम आपको शेयर करवाने वाले हैं यूके की बड़ी कैंपस यूनिवर्सिटीज़ में से एक का, जो कील यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित है, जो मैनचेस्टर के पास में है। ये पहले तो कम्युनिटी हॉल की तरह था, लेकिन उसके अभी जब से यूनिवर्सिटी कैंपस में इसको शामिल किया गया है, तब से इसने लाइब्रेरी का काम किया, जब तक कि नई बिल्डिंग नहीं बन गई। और इस बोर्ड में, ग्रीन बोर्ड में इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, जो कहती हैं कि कील हॉल की बड़ी ही कलरफुल हिस्ट्री रही है। ये 1900 ईस्वी में रशियन ग्रैंड ड्यूक के एक्साइल का प्लेस रहा है, उनको शरण मिली थी यहाँ पे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू में आर्मी ने इसको कैप्चर कर लिया। फिर 1948 में इसको ख़रीदा गया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नॉर्थ स्टेफर्ड शायर बनाने के लिए, जो कि 1962 में कील यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाने लग गई। और शुरुआत के दिनों में कील हॉल जो है एकेडमिक और सोशल लाइफ जो कील स्टूडेंट्स की थी, उसका सेंटर रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी हुआ करती थी शुरुआत में। इसके चारों तरफ सैकड़ों एकड़ जंगल की ज़मीन है और बगीचे हैं, और बहुत ही खूबसूरत एक झील है जो इसको हरा भरा कैंपस बनाती है, सब कुछ ये मिला के। और ये स्टेफर्डशायर का सबसे पुराना मैंशन हाउस है, जिसमें पुराने जो फायर प्लेसेस, जो आग का स्थान नहीं होता है अंग्रेज़ों के घरों में, पुराने घरों में, वो है। पुरानी गैलरीज और बड़ी बड़ी खिड़कियां मौजूद हैं पुराने स्टाइल की। रावण मैशन कलेक्शन की पेंटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं, और अभी भी अपने ऐतिहासिक वजूद को बनाए हुए इसमें बहुत सारी मतलब सोशल इवेंट्स और गैदरिंग्स जो कील गांव के लोगों के द्वारा या फिर कील यूनिवर्सिटी के बच्चों द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और बहुत सारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए इसको बुक किया जाता है। लिबरल आर्ट्स का ये सेंटर है आसपास के एरिया में, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। अभी आपने देखा कील हॉल के चारों तरफ का ग्राउंड, पीछे जो मैंने एंट्रेंस की तरफ से लेकर आगे की तरफ के जो गुलाब के फूलों के बगीचे, फिर जो फाउंटेन लगा हुआ है, उसके बाद में उसके चारों तरफ का लश ग्रीन गार्डन और बड़े खूबसूरत से पेड़ पौधे, और जो पूरा दूब से की कालीन से बिछा हुआ ग्राउंड आपने देखा, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, आराम करते हैं, धूप भी सेकते हैं सर्दियों के दिनों में, मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए भी, एक्सरसाइज के लिए भी, कुछ भी तरीके से यूज़ करते हैं इस स्पेस को, बच्चे भी और आसपास के लोग भी। ये फाउंटेन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है इधर से जब सामने कील हॉल दिखता है। तो उधर से नेशनल हाईवे गुजरता है जो रोड लंदन की तरफ जाती है, और ये इधर पूरा जंगल है पीछे की तरफ यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। इधर पूरा फील्ड्स हैं आगे, ये इधर विंड मिल्स भी लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के एक तरफ। ये बैठने की जगह है, यहाँ पे टिलिप्स भी हैं, रोजेस भी हैं, ये दूसरी साइड है। लिटर पिक के लिए हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं। इधर ये गार्डन यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ से एक झील शुरू होती है, तो बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा है यूनिवर्सिटी कैंपस का। ये देखें, अभी पेड़ों पे फूल पत्तियाँ फिर से आने लगी हैं बसंत के बाद, तो और भी खूबसूरत हो गया है कैंपस। और झील में भी पानी आ गया है बारिश से, सर्दियों में बारिश होती है यहाँ पर,
यहाँ पे लोग आराम से बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी काम करना है वो करते हैं। ये झील है, बहुत ही बड़ी सी झील है कैंपस के साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। यहाँ पर भी बैठने की सुविधा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कील होल का नज़ारा। ये हम आ गए झील के पास दौड़ के। अभी कुछ दिन से बारिश नहीं हुई है इसलिए ये फ्लावर्स मुरझाने लगे हैं। ये नए आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं बतख तैर रही है वहां पे। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स है इधर झील। पीछे पंछियों के कलरों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और प्राकृतिक सौम्यता वाला दर्शन होता है इधर। ये देखिए फिर से एक और बतख इधर है। ये इधर ना घोड़ों के लिए जगह छोड़ी हुई है, ये कोई मैदान है जो कई बार इधर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, कई बार रेसिंग करते हुए दिखाई देते हैं, घुड़सवारी सिखाते हैं बेसिकली इधर स्टूडेंट्स को भी और बाकी लोगों को भी। फिर आगे रास्ता जंगल की तरफ जाता है झील के किनारे से होते हुए, झील के साथ साथ हम चल रहे हैं। ये है पूरा जंगल है जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आता है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, सारे वॉक करते रहते हैं लोग इधर, घूमते फिरते मिल जाते हैं। कील गांव के लोग भी इधर आते हैं और कैंपस के स्टूडेंट्स भी और न्यू कैशल सिटी टाउन एरिया के लोग भी इधर आते हैं। ये बड़े बड़े पेड़ हैं इधर, बैठने की जगह है, लोग घूम रहे हैं, पूरा थोड़े दिन में ना ये सारे पेड़ों पे पत्ते आ जाने वाले हैं। और इधर ऐसा अंधेरा जैसा हो जाता है, उधर इधर से गुजरो तो ऐसे लगता है कि शाम का वक्त हो गया, धूप नीचे नहीं आती, ऑलमोस्ट सारे पेड़ ऐसे घेर घुमेर हो जाते हैं। फिर पक्षियों के गाने आप सुन सकते हैं, इधर झील हमारे साथ साथ आ रही है। यहाँ पे झरना बनता है जो दूसरी तरफ से अब नहीं दिखाई देता है क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे घास फूस इधर आ गई है, पेड़ भी गिर गए हैं तूफान की वजह से इधर। पहले जब हम आए थे तब हम उधर से देख सकते थे,